केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की रही है। गुजरात में श्रमिकों से 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। मोदी जी वही फार्मूला देश भर में लागू कर श्रमिकों से 12-12 घंटे कार्य करवाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में उद्योग पेटी लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर चलेंगे। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रम कानूनों में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में पीछे के दरवाजे से श्रम कानूनों में संशोधन कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना भाजपा की श्रमिक विरोधी नीति को उजागर करता है। जो विषय है वो विषय अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के इशारे पर, उद्योगपतियों की मंशा अनुसार श्रम कानूनों में आमूलचूल बदलाव करें, संशोधन करें, जिसका सीधा सीधा लाभ उद्योगपतियों को हो रहा है और वहीं श्रमिकों के साथ में उद्योग प्रबंधन खुलेआम शोषण करने का एक हथियार उन्होंने वो श्रम कानून का संशोधन बना लिया। आप यहाँ पर देखेंगे स्थानीय उद्योगों में 12-12 घंटे की ड्यूटी श्रमिकों से कराई जा रही है और वो 12-12 घंटों की ड्यूटी में जो स्थायी श्रमिक वहाँ जा रहे हैं ड्यूटी करने, उनसे ठेका श्रमिकों का भी कार्य करवाया जा रहा है। हवाला यह दिया जा रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो श्रम कानून में संशोधन किए हैं उसके तहत अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ का, जो भी ग्रेसिम उद्योग हो, केमिकल उद्योग हो और अन्य उद्योग हो, जहाँ पर 8 घंटे बमुश्किल शारीरिक और मानसिक रूप से एक श्रमिक काम कर पाता है, गैस के वातावरण में वो इतना थक जाता है 8 घंटे, उससे बहुत मुश्किल से नौकरी हो पाती है। इस दौर में उससे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है। पूर्व के श्रम कानूनों में उन 4 घंटे का ओवरटाइम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर श्रम कानूनों में बदलाव कर उस ओवरटाइम को समाप्त कर दिया गया है और उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम सीधे सीधे आरोप ये लगाते हैं कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक उद्योगपतियों के तलवे चाट रहा है। 1,68,500 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, उनका लोन माफ कर दिया जाता है और श्रमिकों को शोषण के नाम पर श्रम कानूनों का संशोधन का तोहफा दिया जाता है। कोरोना की महामारी जब चल रही है और सारा देश, एक एक व्यक्ति, एक एक जन कोरोना की महामारी को, कोरोना को हराने में जी जान से जुटा हुआ, ऐसे में श्रम कानूनों में परिवर्तन कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का क्या औचित्य है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को गरीब वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, मजदूरों की, सर्वहारा वर्ग की पार्टी बताती है, उनकी हितों की रक्षा करने वाली पार्टी बताती है, उन्हीं के शासन काल में आज श्रमिक परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी का दौर है, महंगाई का दौर है, महामारी का दौर है और उसमें इन सब जो विषय जो अभी हमने उल्लेख करे हैं इनके कारण आम जन त्रस्त है। शीघ्र ही कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन श्रम कानून को लेकर बना रही है और हम चाहेंगे कि विधानसभा स्तर पर कांग्रेस संबल योजना का विरोध करेगी जिससे प्रदेश की जनता को इससे राहत मिले। अभी श्रम कानून संशोधन किया गया है, निश्चित रूप से जब हम लगातार ये कह रहे थे कि मोदी जी गुजरात पैटर्न पे पूरे देश में श्रम कानून लागू करना चाहते हैं, निश्चित रूप पहले भी उन्होंने लागू करने का प्रयास करा, श्रम संगठनों उन्होंने विरोध करा तो लागू नहीं पड़ रहा है। जब आज देश विषम परिस्थितियों में खड़ा है, कोरोना के संकट में है, पूरा देश अपने आप को बचाने में लगा है, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से श्रम कानून में संशोधन करते हुए मजदूरों के गला काटने का प्रयास किया गया है। गुजरात में पहले से ही 12 घंटे में 12 घंटे काम कराए जाते थे और पैसा 8 घंटे का दिया जाता। वो जो श्रम कानून में जो कांग्रेस सरकार था, श्रमिकों को हितों जो अधिकार दिए गए थे, उनकी सुरक्षा का अधिकार उनको दिया गया था, तो आज वो अधिकार खत्म करते हुए पूरा पूरा उनकी गला उद्योगपति के हाथों में दे दिया गया है।
जब चाहे जब उनको मजदूरों को निकाल सकते हैं। जहाँ तक हमारे स्थानीय उद्योग की बात है तो निश्चित रूप से आप देखें कि हमारे उद्योग में सिर्फ अभी परमानेंट लोग व्यक्ति को बुलाया गया है, और उसके बाद जब ठेकेदार श्रमिक भी लगातार परेशान हो रहा है, उद्योग तीन शिफ्टों में चलता तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता। तो इन सब बातों को देखने विचार करने की आवश्यकता है कि आज श्रम कानून संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी है, इसको मजदूरों को भी सोचना विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार पुनः मैं सभी मजदूर साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहचाने। उन्होंने अरबों रुपया उद्योगपतियों को माफ़ करते हैं, आज आवश्यकता मजदूरों को आर्थिक पैकेज देने की थी, उनको नहीं देते हुए उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो जो केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने श्रम कानून का पालन करने के लिए तो करवाने तैयार रहती है, परंतु जो मजदूर के हित के जो कानून है, जो उन्होंने चाहे पगार देने की बात हो चाहे अन्य लाभ पहुँचाने मजदूरों का, उन पर कभी ध्यान दे पा रही है। तो हम सब लोग मिलजुल कर आज ज्ञापन दिया है। अभी कोरोना इसका चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आने वाले समय में इसको हम जनता के लिए आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि इंदिरा ज्योति योजना लागू की जाना चाहिए, जिससे कि हमारे 85% उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचे।